आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका प्राइम चर्चा में। आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर वोट बैंक साधने की कोशिश शुरू कर दी है और जनता को अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बलिया के पूर्व सपा विधायक जयप्रकाश अंचल आगामी चुनावों में सपा की तैयारियों और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चुनाव का वक्त है और ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे हैं और आज हम सपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल से जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है और इस वक्त विकास कैसा है। तो बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश अंचल जी आपका हमारी इस प्राइम चर्चा में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति में आने का कैसा सोचा और सपा से आपका जुड़ाव किस वजह से है। नमस्कार, मैं सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूं और राजनीति में आने का तो जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से, क्योंकि हमारे पिता स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मिनिस्टर रहे, 4 बार MLA रहे और उनसे सीख लेकर के हम लोग राजनीति में अपनी सेवाएं देना शुरू किए। क्योंकि जब जब वो आते जाते थे तो लोगों की दुख सुख में हम लोग खुद शरीक हुआ करते थे और राजनीतिक रूप से दुख सुख में हम लोग आने जाने का काम करते थे। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो विधानसभा है उसका हाल कैसा है इस वक्त। मेरा विधानसभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया 363 विधानसभा क्षेत्र बैरिया है जी, जहां से पिछले बार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़े और विधायक बने थे जी। और 5 साल के कार्यकाल में बैरिया का तो हम लोग चौतरफा विकास किए जी। आज जो बैरिया विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है काफी खस्ता हाल है क्योंकि विकास से काफी दूर है और माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको विकास से कोई लेना देना नहीं जी। वो तो लंबी चौड़ी बयानबाजी करने में ही मशगूल रहते हैं जी। तो विकास कुछ किए नहीं, बड़े बड़े नेताओं पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो बयानबाजी बीच बीच में देते रहे जी। तो आज देखा जाए विधानसभा क्षेत्र बैरिया का तो आम जनता के लिए जर्जर सड़कें दिखाई दे रही हैं। जिस तरफ जाइए सड़कें टूटी हैं, चाहे वो ग्रामीण मार्ग हो, जिला सेक्टर की मार्ग हो या PWD की मार्ग है या यहाँ तक ले कि हाजीपुर टू गाजीपुर नेशनल हाईवे 31 नंबर, ये हम लोगों के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से ही होकर के गुजरती है और इतनी खराब उसकी स्थिति है कि अगर 40-50 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है आदमी तो उसका पूरा का पूरा चेहरा धूल से भर जाता है, उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन सरकार तो गड्ढा मुक्ति की बात करती है। हजारों हजारों गड्ढे हैं, गड्ढे की कोई मरम्मत नहीं हो पा रही है और अनेकों बार यह आश्वासन मिला कि अब सड़कें बन जाएगी लेकिन अभी तक उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनी हुई है वो सड़क। आए दिन एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट से घायल होकर के लोग दम भी तोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। जयप्रकाश जी, जब 2012 में आप जीत कर विधायक बने थे तो आपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य करे, हम ये भी जानना चाहेंगे। जब हम लोग विधायक थे उस समय बैरिया को नगर पंचायत हमने बनाया था जी। बैरिया को नगर पंचायत बना करके 11.5 करोड़ रुपया नगर के सुंदरीकरण के लिए, बिजली के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए, RCC के लिए और नाले के निर्माण करने के लिए हमने सर्वप्रथम बजट देने का काम किया था जी। बैरिया से लेकर के हमने सुरेमनपुर मार्ग का चौड़ीकरण और उच्चीकृत, साथ में बीबी टोला का पुल भी मैंने दिया था लगभग 10.5 करोड़ रुपए के लागत से जी। इसके बाद
हमने 100 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी के सरकार में ही सोनवर्षा में देने का काम किया, कार्य प्रारंभ कर दिए थे हम लोग 27.5 करोड़ रुपए के लागत से जी। और आज तक इस सरकार की नाकामियों के चलते उतना महत्वपूर्ण अस्पताल आज तक चालू नहीं हो पाया है, आधे अधूरे काम उसी तरह से पड़े हुए हैं। जितना पैसा हम लोगों ने रिलीज करा दिया था उस पैसे का काम तो हो गया, उसके बाद जो अवशेष धन ये सरकार दी ही नहीं और जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता के चलते उस महत्वपूर्ण विभाग को जब पैसा नहीं मिलेगा तो उसका कार्य कैसे पूरा होगा। बिल्कुल, लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है, 100 बेड का अस्पताल तैयार नहीं हो पाया। जय प्रकाश जी, कोरोना काल में तो काफी अस्पताल बने हैं और ये भी कहा गया कि कोरोना है उसकी वजह से और तेजी से अस्पताल बनने चाहिए, तो जो आधे अधूरे थे उनका काम भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ झूठा नारा है। अगर सरकार इतना संवेदनशील होती और जनप्रतिनिधि उसके लिए तत्पर होता तो इतना महत्वपूर्ण कार्य तो पूरा हो जाना चाहिए ना, लेकिन जब आज तक उसके दीवाल पे सीमेंट नहीं लगे, दीवाल उसी तरह से खड़ी हुई है, उसका प्लास्टरा तक नहीं हुआ, रंगाई पुताई नहीं हुआ, उसका कोई व्यवस्था नहीं बन पाया, तो हम लोग कैसे माने कि ये सरकार काफी उस काम को लेकर के संवेदनशील है और कम से कम समय में उसका निर्माण करा करके आम जनता के हित में चालू कराने का काम करेगी। जी। इसी के साथ मैंने अग्निशमन केंद्र, चूंकि ये दियरांचल का इलाका है, दो नदियों के बीच का बैरिया विधानसभा क्षेत्र है, पहले द्वाबा के नाम से जाना जाता था, यहाँ गंगा और घाघरा दोनों नदियां हैं, दोनों के बीच का क्षेत्र है, दियरांचल के इलाके में अक्सर करके आग लग जाती थी और मोहल्ले के मोहल्ले जल जाते थे, काफी धन और जन की क्षति होती थी। जी। जब हमारी सरकार बनी, हम लोग विधायक बने, तो यहाँ अग्निशमन केंद्र बनाने का काम किए। जी। साथ ही यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मैंने एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण कराया और राजकीय महाविद्यालय का भी निर्माण कराया। जी। कम से कम बच्चियों की शिक्षा का समुचित तीन तरह से घिरा हुआ। जी। तीन तरह से बिहार बॉर्डर से घिरा हुआ यह क्षेत्र है और शिक्षा का समुचित इंतजाम न होने के कारण मैंने एक इंटरमीडिएट कॉलेज भी माननीय अखिलेश जी के द्वारा घोषित कराया था गोपाल नगर दियरांचल में, ये वर्तमान सरकार में दूसरा कोई इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं मिला तो उसी इंटरमीडिएट कॉलेज को दूसरे गांव में ले जाकर के बनवाने का ये लोग काम किए। लेकिन चलिए उससे की कोई बात नहीं, कम से कम कहीं तो बने। जी। लेकिन यहाँ जो दियरांचल का इलाका है, दूर दराज का क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ शिक्षा की अति आवश्यकता थी। बिल्कुल, जिस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका है और हमेशा ही बलिया में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, तो आपने अपने कार्यकाल में कितना काम किया और उसको आगे कितना बढ़ाया गया है इस वक्त की मौजूदा सरकार में? देखिए, जब हमारी सरकार थी तो मैंने डूबे छपरा रिंग बांध के लिए मैंने 39.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके बंधा बनवाने के लिए हमने धन दिया था। जी। धन का टेंडर हुआ जबकि निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के मिली भगत से जी इतना घटिया काम हुआ कि वो बंधा एक साल का भी बाढ़ नहीं झेल पाया। जी। बंधा का निर्माण हुआ, बाढ़ आई और बाढ़ में वो बंधा टूट गया, स्थिति ये हुई कि लगभग 2500 आबादी जलमग्न हो गई और दुर्भाग्य तो तब कहा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दो दो तीन तीन बार उस स्थल पे आए और आने के बाद भी उस बंधे का आज तक निर्माण नहीं हो पाया और दो तीन बाढ़ का सीजन बीता है और जनता एकदम जलमग्न होकर के परेशान रही। जी। तो ऐसी हालात में भाजपा से हम लोग क्या उम्मीद करें,
आम जनता के हित में वो बाढ़ राहत की कौन सी योजना बनाएंगे। अभी तीन तीन कटान रोधी स्पर्श बनाने का काम किए लोग, जिसमें एक का काम किसी तरह से 20-25% हुआ, दूसरे का काम 30-40% हुआ और तीसरे का स्पर्श का काम 70% हुआ। और बाढ़ में एक स्पर्श तो ठोकर 20 से ही क्रेक हो गया, काफी गहरी दरारें पड़ गई। तो कहीं न कहीं ये लोग योजनाओं से सरेआम मजाक कर रहे हैं, आम जनमानस से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर रहता तो जनप्रतिनिधि उसकी निगरानी करता, अच्छा काम होता और जनता को बचाया जाता, क्योंकि वो स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है। NH 31 से सटा हुआ वो स्पर्श था और जब 30-40 मीटर के ठोकर में इतना दरार पड़ जाती है सेम वित्तीय वर्ष में, तो क्या कहा जाएगा। कहीं ना कहीं कार्य नहीं बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है। शासन प्रशासन के लोगों ने मिल करके उस बाढ़ के काम में लूट मचाने का काम किया है। इसलिए हम लोग तो उस समय भी आरोप लगाए थे कि जिस बंदे की सुरक्षा के लिए स्पर्श बनाए गए, उस बंदे पर बलिया से लेकर के बैरिया तक लगभग लाखों की आबादी है। उस आबादी को बचाने के लिए स्पर्श बनाया गया कि नदी का धारा मोड़ा जाए। इतना ही नहीं, सील्ड स्टोर को हटाने के लिए हमने एक योजना अपने सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को के द्वारा स्वीकृति के लिए दिया था, वो स्वीकृत भी हो गया कि बीच में जो किला के तरह से सील्ड स्टोर हो गया है, उस सील्ड को हटाया जाए और नदी के धारे को दूसरे तरफ मोड़ा जाए कि जिसे आम आबादी प्रभावित न हो, आम जनमानस को उससे राहत मिल सके। लेकिन वो भी परियोजना इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शुरू हुई और वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। जी जयप्रकाश जी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करती है सरकार, तो इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है कि इसकी शिकायत नहीं की गई या फिर इस पे सुनवाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग शिकायत किए, चाहे सड़क टूटी हुई सड़कें थी, अस्पतालों में जो दवाइयां नहीं मिल रही थी, चाहे बाढ़ के कार्यों में जो अनियमितता हुआ जी। इसकी बीच बीच में हम लोग पत्रक दिए, माननीय SDM महोदय को दिए, जिलाधिकारी महोदय को दिए और अपने प्रदर्शनों के माध्यम से भी ये बातों को हम लोग अवगत कराए जी। लेकिन सरकार के तरफ से कोई उसमें बदलाव नहीं आया, बल्कि औने पौने काम करा करके वो सारे के सारे बजट को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का काम कर दिया गया जी। जयप्रकाश जी, बिजली की समस्या भी काफी देखने को मिलती है आपके विधानसभा में, तो क्या उसमें कुछ सुधार हुआ या अभी भी वही समस्या बनी हुई है? देखिए, बिजली की समस्या तो यहाँ अत्यंत ही खराब थी, क्योंकि दो दो घंटे करके यहाँ बिजली मिलती थी जी। और जब हम लोग विधायक बने तो हमने पूछा बिजली विभाग के अधिकारी लोगों की बैठक में, आखिर में बैरिया विधानसभा क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ एक फीडर को दो घंटे बिजली दी जा रही है, फिर बिजली काटी जाती है, दूसरे को दी जाती है। इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, कौन सा इंतजाम किया जाए कि यहाँ की जनता को भी समुचित बिजली मिल सके जी। क्योंकि हमारी सरकार की योजना थी 16 घंटे बिजली देने, 8 घंटे रात में और 8 घंटे दिन में बिजली दी जाती, तो उसका लाभ शुरू शुरू में नहीं मिल पाया। तो उन लोगों ने सुझाव दिया कि 10 MVA का फीडर लगा हुआ है, अगर दो उसका पावर बढ़ा दिया जाता है, 20 MVA करा दिया जाता है जी, तो समुचित बिजली हम सारे सभी स्टेशनों को एक साथ दे सकते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करके मैंने उसका पावर दोगुना कराने का काम किया, यानी 10 MVA का एक और वहां सब स्टेशन बैठाने का काम किया जी। जिससे बिजली की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ जी। और अपने रीजन में मैं छोटे बड़े 127 गांवों में विद्युतीकरण कराने का काम किया। इतना ही नहीं बल्कि एक हमने नगर पंचायत जब बैरिया को बनाया तो नगर पंचायत के लिए एक अलग सब स्टेशन बनाने का काम किया। और तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी 2002 में एक सब स्टेशन का शिलान्यास किए थे, लोकधाम ठेकहा बैरिया विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है।
और वो बन नहीं पाया था। जब हम लोग जनता के बीच में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उस समय मैंने पूछा कि किस तरह का पत्थर है, तो लोगों ने बताया कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी सब स्टेशन के लिए उसका शिलान्यास किए थे लेकिन वो बन नहीं पाया जी। तो उस सब स्टेशन को भी मैंने बनाने का काम किया। इसलिए बैरिया में बिजली की सुधार के लिए लगभग 127 गांवों में हमने बिजली लगवाने का काम किया और 3-3 सब स्टेशन बना करके और कुछ जर्जर तार और पोल जहां हो गए थे वहां भी हमने नए तार और नए पोल लगवाने का काम किया जी। इस तरह से बैरिया विधानसभा क्षेत्र में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी तो मैंने बिजली के संबंध में काफी विकास करने का काम किया था जी। और 24 ग्राम पंचायतों को तो मैंने लोहिया गांव से भी आच्छादित कराने का काम किया था और लगभग इतना ही की संख्या में मैंने जनेश्वर मित्रा समग्र विकास योजना के तहत प्रत्येक गांव को 40-40 लाख रुपया दिला करके जी। उन गांवों का चौतरफा विकास कराने का काम किया और जो लोहिया गांव चयनित हुए थे उन ग्राम पंचायतों में चाहे उसके किसी मजरे में अगर बिजली का इंतजाम नहीं था तो उन गांवों में उन मजरों में भी विद्युतीकरण कराया गया। जैसे बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें थी, चांदियर थी, गोपाल नगर था, मानगढ़ था, शिवाल मटिया था, आपका गंगापुर था, दुर्जनपुर था, भोपालपुर था, जमधरवा था, दतहा था, खरिका था, छपरा सारी था, भैंसहा था, लमुही था, इस तरह से तमाम ग्राम पंचायतें थी, अदिसी जुआ, बिशुनपुरा, चाई छपरा, बैजनाथ छपरा, उपाध्यायपुर जैसे तमाम गांवों में जो घाघरा नदी का तटवर्ती इलाका था जी। और बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण उन गांवों में बिजली नहीं लग पाई थी जी। लेकिन हमने उन गांवों का सर्वांगीण भी विकास कराने का काम किया और अनेक गांवों में लगभग 2 दर्जन गांवों में, चूंकि ये क्षेत्र आर्सेनिक युक्त है, यहाँ की लगभग 70-75% आबादी आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए विवश है और स्वच्छ पानी के लिए हमने लगभग 2 दर्जन पानी की टंकियां भी बनवाने का काम किया कि लोगों तक स्वच्छ पानी की सप्लाई जा सके जी। तो इस तरह से हमने इस क्षेत्र का चौतरफा विकास कराने का काम किया जी। हमने बाबा बालकदास पुल भी बनवाया लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से जी। उस पुल से 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें लगभग 30-40 हजार की आबादी बरसात के सीजन में घिर जाती थी और 3-4 महीने जलमग्न होकर के लोग परेशान हो जाते थे और बच्चे और बच्चियों का पठन पाठन भी बाधित हो जाता था। साथ ही क्योंकि दियारांचल का इलाका था, बाढ़ के वजह से सांप कीड़ा बिच्छू भी काट देते थे लोगों को, तो उनके लिए एक नाव ही सहारा था। सबसे बड़ा अभिशाप तो महिलाओं के लिए था कि महिलाओं के लिए बाढ़ के पानी में किसी कोई महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी या कोई बुजुर्ग परेशान था तो इस तरह की बीमारियों के लिए नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं जी। उन उतनी बड़ी आबादी के लिए मैंने बाबा बालकदास सेतु का निर्माण कराया 15 करोड़ रुपए के लागत से और उससे आम लोगों को पूरी राहत मिली है। इस बार उतनी बड़ी आबादी नाव से बल्कि नहीं बल्कि उनके दरवाजे दरवाजे तक सड़क बन गई है और अप्रोच मार्ग भी मैंने बनवाने का काम किया पूरे उस 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए और 7 पुल हमने दिया लगभग 54-54। पुराने कार्यकाल में तो आपने बहुत काम किया लेकिन इस जो 5 साल के कार्यकाल है उसमें कुछ खास काम देखने को नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है क्या इस बार सपा की यानी कि आपकी सरकार आएगी, आपको चुना जाएगा? देखिए 5 साल के कार्यकाल में हमने विकास किया और गंगा नदी में भी हमने पक्का पुल देने का काम किया था, गंगा नदी शिवपुर घाट पर जी। जो 325 करोड़ रुपए के लागत से वो पुल निर्माणाधीन है आज तक वो काम पूरा नहीं हो पाया जी। जो काम अगर इस 5 साल नहीं हो पाए हैं और आने वाले 2022 के चुनाव को देखते हुए आप किन मुद्दों के तहत जनता के बीच जाएंगे और किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए भारतीय जो 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के सरकार का बीता है जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के अलावा उन्होंने विकास कुछ नहीं किया जी। सड़कें सारी की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल में दवाइयां नहीं है जी। जो अस्पताल में मशीनें हैं
वो भी क्षतिग्रस्त है, बिगड़ी हुई है। अस्पताल में सीएससी, अब इतना समझ लीजिए कि कितना संवेदनशील लोग हैं, इफ सीएससी अस्पताल को सिर्फ एक डॉक्टर चला रहा है, तो जब सीएससी में सिर्फ एक डॉक्टर रहेगा और जहां 50,000 की तादाद में पेशेंट डेली अप डाउन करेंगे, डेली आएंगे, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कैसे लोग करेंगे, कैसे दूर करेंगे? तो स्वास्थ्य के संबंध में तो ये सरकार एकदम फिसंडी रही जी। न तो अस्पतालों में दवाइयां मिला, न डॉक्टर उपलब्ध हो पाए, और जितने न्यू पीएसी हैं, चाहे वो करण छपरा का हो, चाहे नवरंगा का हो, चाहे श्रीनगर का हो, इस तरह से जो भी न्यू पीएसी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को तो मैं लगता है कि वो ताला ही नहीं खुला जी। तो आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं ये सरकार गंभीर नहीं थी, असंवेदनशील थी। ऐसी अवस्था में लोगों के लिए जिला अस्पताल के अलावा कोई सहारा नहीं था, और जिला अस्पताल जाने के लिए इतनी एनएच मार्ग था जो इतना जर्जर था कि उस मार्ग से यानी जो काम मौजूदा विधायक नहीं कर पाए हैं वो काम आप करेंगे, 3 घंटे में लोग पूरा कर सकते, पूरा कर रहे थे जी। और हम लोग तो अपने जमाने में रेवती से लेकर के लालगंज तक और टेंगरही से लेकर के जयप्रकाश नगर तक इस सड़क का हम लोग निर्माण कराए। टेंगरही से लेकर के जयप्रकाश नगर ट्रस्ट तक जाने के लिए जो सड़क हम लोग ने दिया था, उस सड़क जो माननीय चंद्रशेखर जी जी ट्रस्ट का निर्माण कराए थे, जेपी ट्रस्ट का जी, उस ट्रस्ट पे जाने के लिए बीएसटी बंदे को हम लोगों ने अपने जमाने में पीच कराने का काम किया जी, वो भी पीच मार्ग लगभग 2015-16 में हुआ, और वो बंधे की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, चलने लायक नहीं है, लेकिन इस सड़क, इस सरकार में उस सड़क की मरम्मत तक नहीं हो पाई जी। तो कहीं जी मौजूदा सरकार का काम तो देख ही रही है जनता, और आपका काम भी देखा है, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, विकास के माध्यम से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ बालू और दारू का विकास हुआ है जी। पूरे के पूरे जनप्रतिनिधि मिलकर के और बालू और दारू का व्यवसाय किए हैं लोग जी। आप अपने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि जितना दारू इस कार्यकाल में पकड़ा गया है और जितना सप्लाई गई है, शायद जितना किसी भी सरकार में जी। इतना भ्रष्टाचार, इतना नियमित अनियमितता जी दारू को लेकर के, ये सारे के सारे लोग जी। तो आपका जब कार्यकाल आएगा, अगर जनता अपने विकास देख रहे प्रकाश जी, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के लिए काम करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाया जाए, और जब सरकार बनेगी जी तो हम लोग इस क्षेत्र के जो अधूरे कार्य हैं जी, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम हो जी, बीएसटी बंदे की मरम्मत कराने का काम हो जी, चाहे गंगा नदी में पक्का पुल का काम हो जी, चाहे महाविद्यालय का काम हो, चाहे मंडी हमने बनवाया उसका काम हो, यानी विकास का काम करेंगे, चाहे अस्पताल का काम है, सबसे पहले मैं प्रायोरिटी के आधार पर इन कार्यों को पूरा कराने का काम करूंगा जी। और जितनी जर्जर सड़कें हैं जी, जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है बल्कि भ्रष्टाचार के चलते उन सड़कों के मरम्मत का पैसा ये जनप्रतिनिधियों द्वारा लूटा गया है जी, मैं उन सड़कों को मरम्मत कराने का काम करूंगा, अच्छा कराने का काम करूंगा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोगों का लक्ष्य है जी कि बैरिया में एक डिपो बनाया जाए, डिपो बनाया जाए, चूंकि उत्तर प्रदेश का ये लास्ट टाउन एरिया है और पटना की दूरी 100 किलोमीटर है जी, और यहाँ से लखनऊ की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है जी, तो इसको एक डिपो बना करके इसका विकास किया जाए, और साथ ही यहाँ नौजवानों के लिए स्टेडियम का भी, मिनी स्टेडियम का भी इंतजाम किया जाए, और अस्पतालों की जो एक खस्ता हाल है उसको भी सुदृढ़ करा करके जी अच्छी मशीनें लगाया जाए, अधिक से अधिक अस्पतालों में महिला डॉक्टर से लेकर के अन्य विभाग के डॉक्टरों को की भी हम लोग पोस्टिंग करा करके यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं
समुचित ढंग से मुहैया कराया जाए। अगर और सब स्टेशन बनाने की आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने दिलेर मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करके और भी सब स्टेशन हम लोग बनवाने का काम करेंगे, जिसे इस दियरांचल के इलाके के लिए बिजली की समुचित विकास हो सके और स्कूल की भी आवश्यकता होगी तो हम लोग और स्कूल बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो विकास का काम किया जाएगा सपा के द्वारा, ये बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ जयप्रकाश अंचल जी जुड़े थे, पूर्व सपा विधायक। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 2012 में जब सपा की सरकार थी तो काफी विकास के काम किए गए हैं, लेकिन जब 2017 में जब सपा की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आई तो जो काम अधूरे सपा के रह गए थे उसे भी पूरा नहीं किया गया है बलिया में। तो बलिया के पूर्व विधायक ने इस बात को कहा है और कहा है कि आने वाले चुनाव में वो तमाम रुके हुए काम, विकास के कार्य जो बेहाल पड़े हुए हैं, उन सबको पूरा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।